आजमगढ़ में जीत गई भाजपा। घनश्याम लोधी ने सपा उम्मीदवार को हराया। आजम के प्रचार के बाद भी सपा का सफाया। विधानसभा चुनाव के बाद सपा को लगा जोरदार झटका। विधानसभा चुनाव के बाद जब बैलेट के रिजल्ट आए थे तो उससे अखिलेश की बहुत उम्मीद बढ़ी थी। अखिलेश को लगा था कि वो थोड़ा और जोर लगाएंगे तो बीजेपी को पटखनी दे जाएंगे और उसके बाद तो फिर आजम खान भी बाहर आ गए। हालांकि उस वक्त अखिलेश आजम के बीच में नाराजगी का दौर जरूर था, लेकिन फिर सब कुछ ठीक भी हो गया था जब आजम खान से दिल्ली के अस्पताल में मिलने पहुंच गए थे सपा मुखिया। वही तय हुई थी आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव की रूपरेखा। अखिलेश ने आजम के हाथ में सौंप दिया था पूरा मौका। असीम रजा को आजम खान ने अपने प्रत्याशी के रूप में चुना था और जीत का दावा भी किया था, लेकिन 26 जून रविवार को सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू हुई तो उसी वक्त से दिल की धड़कनें थामे बैठे आजम खान को तब एक और बड़ा झटका लग गया जब उनका उम्मीदवार चुनाव में हार गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम आ गया है। यहाँ बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए समाजवादी पार्टी को हरा दिया है। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने 42,192 वोटों से सपा उम्मीदवार असीम रजा को करारी शिकस्त दे दी है, वो भी तब जब ये सीट आजम खान का गढ़ मानी जाती है। 2019 में चुनाव जीतकर यहीं से सांसद थे आजम खान, वो तो जेल में ही रहकर उन्होंने यहां से विधायकी का चुनाव लड़ा तो वो भी जीत गए। ऐसे में सांसदी से तो इस्तीफा देना पड़ा, अपनी जगह असीम रजा को प्रत्याशी बनाया तो फिर सीट की सांसदी से ही हाथ धोना पड़ गया, हार का मुंह देखना पड़ा। सच पूछा जाए तो यह असीम रजा की नहीं बल्कि आजम खान की ही हार है। बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने असीम रजा को नहीं बल्कि आजम खान को ही इस चुनाव में हराया है, क्योंकि रामपुर सीट से 10 बार विधायक और कई बार मंत्री आजम खान ने ही सांसदी छोड़कर रामपुर की विधायकी को चुना। सोचिए 10 बार से विधायक, कितना पुराना किला है, कितना पुराना गढ़ है रामपुर आजम खान का, लेकिन अब हाथ से निकल गया। आजम की रामपुर सीट पर बीजेपी की जीत का परचम लहराने वाले घनश्याम लोधी एमएलसी रहे हैं। लोधी खुद भी कभी आजम खान के करीबी हुआ करते थे। लोधी ने साल 2004 में हुए एमएलसी चुनाव के दौरान कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और मुलायम सिंह यादव की सपा के गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे। हालांकि इसके पीछे की जो दो मुख्य वजह बताई जा रही है वो कुछ इस प्रकार है। इस बार 10% कम वोट पड़ना। दरअसल रामपुर की जनता ही इस चुनाव को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं दिखाई दी थी। रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में लोगों ने वोट डालने में कोई खास दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। आजमगढ़ के मुकाबले ही यहां 10% कम मत पड़े, सिर्फ 7 लाख लोगों ने ही अपने मत का इस्तेमाल किया। उपचुनाव से पहले अखिलेश का रामपुर न आना। आजम से मनमुटाव खत्म होने के बाद भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार भी आजम के गढ़ रामपुर में अपनी शक्ल नहीं दिखाई। अखिलेश यहां प्रचार के लिए आए ही नहीं। हालांकि इस बीच सुनने में ये भी आया कि अखिलेश उपचुनाव में प्रचार करते ही नहीं है। वैसे आप रामपुर में आजम खान के इस किले में बीजेपी की सेंधमारी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप रामपुर से बीजेपी की जीत और आजम खान की हार पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।